नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का हल्दर क्लासेस उदयपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आपको विदित है कि जेईटी का जो आज आपका पेपर हुआ है उसमें केमिस्ट्री के आंसर की क्या हो सकती है उसके बारे में अपन यहां पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जिस सीरीज की अपन बात करें, जिस सीरीज के आंसर मैं आपको बता रहा हूं वो आपकी सी सीरीज है, उसके अकॉर्डिंग आप अपने आंसर मिला लें। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने था, इसके अनुसार कौन सा ऐसा मिनरल है जो एसिडिक कंडीशन के अंदर अवेलेबल नहीं होगा, तो इस केस में जाएगा आपका मोलिब्डेनम, फर्स्ट वाला जो है एसिडिक कंडीशन के अंदर अवेलेबल नहीं होगा। इसके बाद दूसरा नंबर क्वेश्चन आपके सामने था, वाटर इज एडेड टू क्विक लाइम द रिएक्शन, जब पानी जो है चूने के साथ मिलाया जाता है तो अभिक्रिया आपकी कैसी होगी, तो अभिक्रिया जो होगी उष्मा शेपी होगी, इसमें ऑप्शन नंबर थर्ड जो होगा वो आपका राइट जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके सामने था, यदि मिट्टी का पीएच 8.5 से अधिक बढ़ जाता है तो पौधों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो इसमें पोषक तत्वों का अवशोषण जो होगा वह कम हो जाएगा, इस केस में ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो होगा वह आपका राइट होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन था आपके सामने कि एक गैसीय मिश्रण में वजन के अनुसार 1:4 के अनुपात में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन होता है तो उसके लिए कितने अणु की संख्या का अनुपात जो होगा वह क्या होगा, तो इस केस में 7:32, इसमें ऑप्शन नंबर थर्ड जो होगा वह आपका राइट होगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 5 था आपके सामने, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया 30 मिनट में 30% पूर्ण होती है तो इसकी अर्ध आयु अवधि जो होगी वह आपकी कितनी होगी, तो इसमें ऑप्शन नंबर थर्ड राइट होगा आपका, 58.2 मिनट होगा, इसमें थर्ड ऑप्शन आपका राइट होगा। 6 क्वेश्चन था आपके सामने, निकल को परिष्कृत करने के लिए मोड की प्रक्रिया में कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है, तो इस केस में जो आपका आंसर होगा वह सेकंड वन होगा, इसमें आंसर आपका सेकंड वन होगा। इसके बाद नेक्स्ट था, जो प्रतिक्रिया या रिएक्शन आपको दे रखी है उसको क्या, कौन सी रिएक्शन के नाम से अपन जानेंगे, तो इस रिएक्शन का जो नाम है वह विलियमसन की संश्लेषण प्रतिक्रिया, विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन के नाम से इसको जानेंगे। देन क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो 8 में पूछा गया था फॉस्फोरस की परमाणुता क्या है, तो फॉस्फोरस की जो परमाणुता है वह 4 है, इसमें ऑप्शन नंबर 4th जो होगा वह आपका राइट होगा। देन क्वेश्चन नंबर 9 जिसमें आपसे पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक संघनन पॉलीमराइज़ द्वारा प्राप्त किया जाता है, संघनन पॉलीमराइज़ द्वारा प्राप्त नाइलोन 66 को प्राप्त किया जाता है, ऑप्शन नंबर 4th जो होगा इसमें राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर आपसे पूछा गया था एसीएन में कार्बोक्सिनिल यौगिक का जुड़ना किसका उदाहरण है, इसके किसका उदाहरण है, तो ये जो उदाहरण है वह आपका न्यूक्लियोफिलिक जोड़ का उदाहरण है, इसमें ऑप्शन नंबर 3rd जो होगा वह आपका राइट होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन था, कार्बनिक यौगिक कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना है जिसका मौलिक विश्लेषण 38.71% कार्बन और 9.6% हाइड्रोजन उपस्थित है, तो यौगिक का मूलानुपाती सूत्र यहां पे क्या होगा, तो इस केस में सूत्र जो होगा आपका थर्ड वन होगा, CH3O, ऑप्शन नंबर 3rd जो होगा वो आपका यहां पे राइट होगा। देन 12 नंबर क्वेश्चन था, विद्युत ऋणात्मकता का सही क्रम यहां पे क्या है, तो इसका सही क्रम जो है सेकंड वाला है, FOCl और Br, इसमें ऑप्शन नंबर 2nd जो होगा वो आपका राइट होगा। देन क्वेश्चन नंबर 13, HOP3 2- का संयुग्मनक अम्ल कौन सा है, तो इसमें आंसर नंबर आपका 3rd जाएगा, H2PO3-, थर्ड वन जो ऑप्शन होगा वह आपका यहां पे राइट होगा। 14 नंबर क्वेश्चन था, बेंजोइक एसिड सांद्र HNO3 और सांद्र H2SO4 के साथ क्रिया करके क्या देता है, तो इस केस में ऑप्शन नंबर 3rd राइट जाएगा, M नाइट्रो बेंजोइक एसिड देगा, थर्ड वन ऑप्शन इसमें राइट होगा। देन 15 नंबर क्वेश्चन, निकेल का परमाणु क्रमांक 28 है, तो निकेल के लिए सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का चयन करें, तो इसमें सेकंड वाला जो विन्यास है वह आपका राइट है, यह आपका आंसर नंबर 2nd यहां पे राइट जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर आपको पूछा गया था कि क्लोरीन में निम्नलिखित में से +5 ऑक्सीकरण अवस्था होती है, तो इस केस में आंसर आपका 3rd वन जाएगा, HClO3, ऑप्शन नंबर 3rd वन आपका यहां पे राइट होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 जिसके अंदर पूछा गया था विच वन इज एन ऑर्गेनोफॉस्फेट, कौन सा ऑर्गेनोफॉस्फेट कीटनाशी है, तो यहां पे फेनिट्रोथियोन जो है वह आपका एक प्रकार का ऑर्गेनोफॉस्फेट कीटनाशी है। देन निम्न मिलकर से कौन सा एक गैर विस्तारित नॉन एक्सपांडिंग खनिज यहां पे कौन सा है, तो नॉन एक्सपांडिंग जो है केओलिनाइट है, इसमें ऑप्शन नंबर 1st होगा वह आपका राइट होगा। देन XeF6 में संकरण क्या है, इसमें संकरण क्या है, तो इसमें संकरण आपका सेकंड वाला है, sp3d3, सेकंड वाला ऑप्शन इस केस में आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 20 के अंदर आपसे पूछा गया था कि अंतिम इलेक्ट्रॉन की 4 क्वांटम संख्या n5 1 0 m 0 और s, ये है तो इसका संबंध किससे है, तो इस केस में आंसर आपका फर्स्ट जाएगा, इसका संबंध s ब्लॉक से, कौन से ब्लॉक से, s ब्लॉक से। देन क्वेश्चन नंबर 21, मीथेन इथीन इथाइलिन में कार्बन परमाणु के हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का प्रतिशत 1 कैरेक्टर्स क्रमशः होता है, तो इस केस में जो आपका आंसर जाएगा वो जाएगा आपका फर्स्ट वन जाएगा, 25 33 एंड 50 जाएगा, ऑप्शन नंबर 1st इसमें राइट होगा।
देन 22 नंबर क्वेश्चन, एक 5.6 लीटर गैस एसटीपी पर का वजन 8 ग्राम के बराबर है तो गैस का वाष्प घनत्व कितना होगा? तो गैस का वाष्प घनत्व जो होगा वह 16 होगा। इस केस में आंसर नंबर सेकंड जो होगा वो आपका राइट होगा। क्षार मिट्टी को पुनः प्राप्त किया जा सकता है या सारी मिट्टी का रिक्लेम किसके द्वारा किया जा सकता है? तो जिप्सम के द्वारा कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर थर्ड जो होगा वो आपका यहां पे राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने था कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सबसे प्रबल अम्ल है? तो इसमें CH2COOH फोर्थ नंबर ऑप्शन जो है इस केस में आपका राइट जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन 25 आपके सामने था, इसमें पूछा था निम्नलिखित जीव में से कौन सा मिट्टी में उच्चतम बायोमास देता है? तो कवक जो है सबसे ज्यादा बायोमास देता है, फंजाई जो है सबसे ज्यादा बायोमास देता है। देन क्वेश्चन नंबर 26, निम्न यौगिक का IUPAC नाम क्या है? निम्न का IUPAC नाम की अगर अपन बात करें तो इसमें जो इसका IUPAC नाम है वो आपका फर्स्ट वाला है, BIS क्लोरोएथेनिक एनहाइड्राइज है, पहला वाला ऑप्शन इसमें जो होगा वो आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 27, किसकी आकृति पिरामिडनुमा है? किसकी आकृति पिरामिडनुमा है? तो इसमें जो सेकंड है PCl3 इसकी जो है वो आपकी आकृति जो है पिरामिडनुमा है। एंड 28, निम्नलिखित यौगिकों में से किसका द्विध्रुव आघूर्ण सबसे अधिक है? तो इसके में द्विगुण आघूर्ण जो है सबसे अधिक किसका है? तो इसमें ऑप्शन नंबर थर्ड का जो है वह द्विगुण आघूर्ण जो होगा वह सबसे अधिक होता है। देन 29, पोटेशियम के साथ क्रिस्टलाइट होता है, पोटेशियम के साथ क्रिस्टलाइट जो होता है वह कौन होता है? तो इसमें ऑप्शन नंबर सेकंड राइट जाएगा, शरीर केंद्रित घन चालक यानी बॉडी सेंट्रेटेड क्यूबिक लैक्टिक जो होगा वह आपका सेंट्रलाइज होगा। देन Cl2O7 में Cl की ऑक्सीकरण संख्या जो होगी वह आपकी क्या होगी? +7 होगी। इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो होगा वह आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन सी रेडॉक्स प्रतिक्रिया नहीं है? रेडॉक्स रिएक्शन इसमें से कौन सी नहीं है? तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट जाएगा, ये जो है आपकी रेडॉक्स अभिक्रिया यहां पे नहीं है। ऐसी मिट्टी जिसका पीएच जो होता है 8.5 से कम, ESP 15 से कम और इसी 4 से अधिक होती है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो वह मृदा जो है आपकी क्या कहलाती है? तो इस केस में आपकी ये मृदा जो है वह सेलाइन सोइल कहलाएगी। आपका ऑप्शन नंबर थर्ड जो होगा वो यहां पे राइट होगा। देन क्वेश्चन नंबर 33 आपके सामने था, कौन सा उर्वरक मिट्टी में अम्लता पैदा करता है? कौन सा उर्वरक जो है मिट्टी के अंदर अम्लता पैदा करता है? इसमें आपके ऑप्शन थे विच फर्टिलाइजर प्रोड्यूस द एसिडिटी, अमोनियम सल्फेट, सोडियम नाइट्रेट, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट या कैल्शियम नाइट्रेट। तो इसमें जो आपका अमोनियम सल्फेट जो उर्वरक है वह एक प्रकार से अपन क्या कहेंगे कि वह एसिडिटी कोज करता है, जो आपको यहां पे पता होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट वन क्वेश्चन आपके सामने था कि 100 मिली के 0.2H2SO4 को 100 मिली के 0.2NOH के मिलाया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप घोल जो होगा वह आपका कैसा होगा? तो वह आपका अम्लीय होगा। इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा वह आपका राइट होगा। भूपरपट्टी में सर्वाधिक पाए जाने वाला पदार्थ कौन सा है? इसके अर्थ क्रस्ट के अंदर सबसे ज्यादा पाई जाती है ऑक्सीजन, पाई जाती है। कौन पाई जाती है? ऑक्सीजन पाई जाती है। 36, 6 ग्राम कार्बन में मौजूद मोलों की संख्या कितनी होगी? तो 6 ग्राम कार्बन में मौजूद मोलों की संख्या जो होगी वह 0.5 होगी। इसमें ऑप्शन नंबर सेकंड जो होगा वह आपका राइट होगा। देन अगला क्वेश्चन था आपके सामने, किस यौगिक को बुझा हुआ चूना कहा जाता है? CaOH2 को जो है अपन बुझा हुआ चूना के नाम से जानते हैं। इसमें ऑप्शन नंबर थर्ड जो होगा वह आपका राइट होगा। देन 38 थे, AlCl3 की उपस्थिति में मिथाइल क्लोराइड के साथ बेंजीन की प्रतिक्रिया जो देता है वह किस प्रकार की देता है? तो टोल्यूलिन। इसमें ऑप्शन नंबर फोर्थ जो होगा वह आपका राइट होगा। 39 क्वेश्चन, फेरिक क्लोराइड जोड़ने पर ताजा अवशेषी फेरिक ऑक्साइड पर का कोलाइडी अवस्था में रूपांतरण किसका एक उदाहरण के रूप में जाना गया है? ऑप्शन नंबर थर्ड पेप्टीकरण के उदाहरण के रूप में, पेप्टाइजेशन के उदाहरण के रूप में जाना गया है। और लास्ट क्वेश्चन था, N=2 और L=1 के साथ सभी ऑर्बिटल्स के फिट होने वाले इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या जो होगी वह कितनी होगी? तो वह आपकी 6 होगी। यहां पे ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वह आपका राइट होगा। इसी के साथ आपकी केमिस्ट्री के आंसर की भी पूरी हुई। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हल्दर क्लासेस उदयपुर JET की, PPG की इनकी प्रिपरेशन भी कराता है। JET के लॉन्ग ईयर के बैचेस जो है हमारे यहाँ 21 जून से शुरू हो रहे हैं। अगर आप में से कोई ज्वाइन करना चाहता है तो ज्वाइन आराम से कर सकता है। थैंक यू वेरी मच।